अस्सलाम वालेकुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है आप तमाम हज़रात अहबाब खैरियत से होंगे सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ऑफिय से होंगे एक दफ़ा माजी में भी हमने शेयर टीका पे एक वीडियो बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कबूलियत अदा फरामी काफ़ी लोगों को अल्लाह की मखलूक को नबी पाक की उम्मत को फ़ायदा हुआ उससे लेकिन कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको फ़ायदा कम हुआ या नहीं हुआ तो बहरहाल उनकी भी हजत पूरी होनी चाहिए अल्लाह करे सब ठीक हो जाए इन शाह तला क्योंकि शेयर टिका में बहुत ज़्यादा कौम परेशान है और उसमें एक्सरे ही हो रहे हैं ज़्यादातर ठीक है ना या पेन किलर खा रहे हैं मसला तो हल नहीं हो रहा मसला हल होना चाहिए ठीक है ना मसला ख़त्म होना चाहिए तो उसके लिए एक तो शेयर टिका की गुजशत वीडियो देख लीजिएगा ठीक है ताकि कुछ पॉइंट आपको वहाँ से भी मिल जाए और कुछ पॉइंट में मज़ीद अरस कर देता हूँ ताकि बात की हजत फाइनल हो जाए और जिसको तकलीफ हो वो अहबाब ठीक हो जाए और अल्लाह का शुक्र अदा करें ठीक है ना तो शिक्का के अतबार से समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आपकी रीढ़ की हड्डी में मसला आता है और आम तौर पर जब एम आर आई कराते हैं तो उसमें एस वन और एल फाइव एल फोर एल फोर एल फाइव जो है उसमें डैमेज आता है ठीक है एक बात समझिए पॉइंट की कि इसमें लगता है कि जिस तरह मोहरे खींचे हुए हैं ठीक है ना तो हो यह रहा है कि हम मोहरे का इलाज करने बैठ गए ये एक गलत तरीन फैसला है मोहरे का कोई इलाज नहीं होगा डिस्क स्लिप हो गई कोई इलाज नहीं करें उसका डिस्क अपनी जगह से हट गई नहीं करें इलाज असल वजह देखें वजह क्या है वजह यह है कि पट्टे खिंच गए पट्टे खिंच गए तो आपको गैप नज़र आ रहा है आपको डिस्क हिली हुई नज़र आ रही है ठीक है ना डिस्क हटी हुई नजर आ रही है भाई मोहतरम आप पट्टों को अपनी कंडीशन पर वापस ले आइए हर चीज़ अपनी जगह खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएगी ठीक है करके देख लीजिए मैं कोई मुश्किल तो करवाता नहीं मुश्किल में तो डालता नहीं ठीक है ना तो इसमें सबसे मेन मसला आपको क्या समझ में आया कि पट्टों के खिंच जाने की वजह से ये मोहरों में गैप आता है मोहरों में प्रॉब्लम आती है डिस्क डिसेबल नजर आती है और दर्द से तो बेड़ा गर्क हो जाता है अच्छा आमतौर पर इसका असर जो है किताबों में लिखते हैं कि लेफ्ट टांग पे पड़ता है लेकिन मैंने देखा बराबर है राइट पे भी कभी पड़ जाता है कभी लेफ्ट पे भी पड़ जाता है ठीक है शीआर टी जो आपकी S1 L4 L5 से शुरू होती है स्टार्ट लेती है यहाँ पे गैप देती हुई पट्टे खिंचते हुए नज़र आती है यह दाएं टांग पे भी जा सकता है और बाएं टांग पे भी जा सकता है ठीक है ना इसको महज़ बाएं टांग का दर्द कहना ठीक नहीं है ठीक है दोनों में से किसी में भी जा सकता है और जब ये चला गया तो फिर ये कूल्हे में भी आएगा कूले की पूरी हाउसिंग में भी आएगा और दाएँ या बाएँ टांग की रान में भी आएगा और ईवंध के घुटने तक जाएगा और अक्सर अहबाब का तो ये पिंडली तक चला जाता है ठीक है जी अब इसमें कुछ काम आप कर लीजिए ताकि इस तकलीफ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की तारीख में आपको अच्छा कर दे इंशाल्लाह ताला सही इसमें सबसे पहले तो एक काम ये करना है आपने कि एक बाल्टी गर्म पानी ले लें गर्म पानी मतलब कि इतना भी ठंडा ना हो कि गर्म ही ना हो और गर्म हो और इतना भी गर्म ना हो कि आप जल जाए ठीक है गर्म हो काबिल बर्दाश्त ठीक है जी उसमें दो बड़े कप नमक डाल दें नमक डाल के हल कर दें उसको अब किसी अटेंडेंट से बोलें आपके घर के किसी फर्श से अपने मुखलिस से किसी भाई से बोलें कि लोटा ले ले लोटा लोटे की धार से वो उसको सिलो सिलो आपकी कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे गिरा दें ये सारे का सारा एक बाल्टी पानी आपने अपनी कमर पे गिरवाना है ठीक है कपड़े उतार लीजिएगा सही से गिर जाए ऐसा ना कि पैंट की मोटी बेल्ट जो है वो पानी को पीछे से फेंकती रहे और निचला धड़ आपका ड्राई हो ड्राई हो जाए, जाए, रह ठीक उसके बाद एक घंटे तक आपको हवा नहीं लगनी चाहिए सही है? उसके बाद रूम में जाइए रूम में जाके आप उल्टा लेट जाएं अब बेशक कोई थोड़ा सा कवर कर कोई शॉर्ट्स छोटी सी पहन लें ठीक है अब उल्टे लेटें पूरे एक घंटे तक ठीक है और इसके दौरान होगा क्या कि अब किसी अटेंडेंट को बोलें कि बहुत नरमी से जान लगाने वाला काम नहीं करना है ठीक है जी जान नहीं लगानी बहुत नरमी से कोई अटेंडेंट आपका आयोडेक्स ले ले, ठीक है विक्स से भी काम हो जाता है दोनों हैं विक्स जो है वो गुद्दी मिजाज रखती है उसमें पेपरमेंट है और जो आयोडेक्स है वो उज़लाती मिजाज रखती है क्योंकि उसमें लौंग का तेल है ठीक है ना और बाकी आपको पता होगा कि आपका जो पॉलीफैक्स होता है वो असाबी होता है ठीक है पॉलीफैक्स असाबी होता है और विक्स जो है गुद्दी होती है ग्लैंड सिस्टम पर एक्टिवेटर है और जो आपका आयोडेक्स है उजलाती है मस्कुलर है और क्योंकि उसमें लौंग का तेल होता है ठीक है तो इन चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो आप यूज़ करना चाह रहे हो किस कैफियत में क्यों इंतखब करोगे और उसका मिजाज क्या होगा ठीक है और बाकी आपने अदरक का तेल बना रखा हो या पेपर मिनट का तो ठीक है वो भी सही है आपने लौंग का तेल बना रखा हो खुद अपने हाथों का तो वो भी ठीक है ठीक है ना इसी तरह आपने कोई आसाबी तेल बना रखा हो तो वो भी ठीक है ठीक है ना नहीं तो इमरजेंसी में बना बनाया लेना हो तो मिजाज का ख्याल रखते हुए इन तीनों में से कुछ भी ले लिया जाएगा अब इसकी पूरी कमर पे सिर्फ रीढ़ की हड्डी के मोहरे पर नहीं पूरी कमर पे ये मालिश होगा क्योंकि ये मामला पट्ठों का है रीढ़ के मोहरों का नहीं है जो कि आप एक्सरे में देख रहे हो ठीक है जी पूरी कमर में बड़ी नरमी से बहुत मासूम बच्चा समझ के पेशेंट को बड़ी नरमी से पूरी कमर में मालिश कर दें एक काम हो गया अब दूसरा काम और आज की तारीख में अल्लाह आपको दिखाएगा कि रिजल्ट किसको कहते हैं अब दूसरा काम कि कूल्हे के नीचे जो पूरी रान का पिछला हिस्सा है पेशेंट उल्टा लेटा हुआ है ये कूले हैं उसके कूले के पीछे जो रान का उल्टा वाला हिस्सा है यहाँ पे ज़रा जोर लगा के मालिश कर दें यहाँ पे जान लगानी है यही आयोडेक्स जो आप लगा रहे हो यहाँ पे जान भी लगा दें और हाथ से कुचल भी दें इस पट्टे को रान के पट्टे को कमर पे तो जोर नहीं लगाना था ठीक है रान के पट्टों को मालिश करके तेज़ हाथ से इसको कुचल भी दें और फिर इसमें कोई गर्म कपड़ा लिहाफ़ या कंबल डाल दें आधे घंटे के लिए यकीन कीजिए आपका पेशेंट ठीक होगा अल्लाह की कुदरत देखिएगा एक दिन का इलाज है कोई इसमें ना मैं जान लगवा रहा हूँ ना कोई जबर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ना आपको कोई गर्म दवाएँ खिला रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा इससे आसान सॉफ्ट इलाज नहीं हो सकता लेकिन इस वक्त अटेंडेंट इस पेशेंट को जब डील करे तो एक मासूम बच्चा समझ के डील करे क्योंकि कमर पे पूरी पे कूले तक जो है हाथ सख्त नहीं चलेगा किसी भी एतबार से हाँ रान के पिछले हिस्से में रगड़ाई भी तेज़ होगी और कुचलना भी है इन पट्ठों को यकीन कीजिए पेशेंट बोलेगा नबे फ़ीसद तो मैं आज ठीक हूँ तो दस फीसद इनशाला कल हो जाएगा ठीक है कीजिएगा ज़रूर ठीक है करने वालों ने किया और अल्लाह इज़्ज़त ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया कि यकीन कीजिए कि झोलियाँ उठा उठा के बकौल लोगों के उन्होंने झोलियाँ उठा उठा के दुआएँ दी हैं ठीक है ना आप भी दुआ दीजिएगा ठीक है और इस वीडियो को दो तीन दफा देखिए ताकि पॉइंट मजबूत तरीन तरीके से आपके दिमाग में इतने फीड हो जाए कि आप दूसरे की मदद कर सको ठीक है भाई दुआ में याद रखिएगा असल वरहम